हे गाइस आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ एंजल नंबर्स के ऊपर और आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैंने एंजल नंबर के ऊपर ही जो वीडियोस बनाए थे वन 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 एंड इनके ऊपर वो वीडियोस मेरे काफी लोगों ने देखे और उसके थ्रू मेरी सोल फैमिली मिली मुझे काफी हद तक तो ऑफकोर्स मैं अपना और अपने क्लाइंट्स का कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी या स्परिचुअल जर्नी में जो लोग मुझे मिले के एंजल नंबर्स का क्या एक्सपीरियंस था उनका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि ये वेरी करते हैं ट्रिपल जीरो से लेकर के ट्रिपल नाइन तक एंड देन वन 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 से लेकर के नाइन 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 तक एंड नाइन डबल वन देन सिक्सटी नाइन नाइनटी सिक्स बहुत तरीके के नंबर्स होते हैं तो यूजअली अगर मैं आपको लम सम में बताऊं क्योंकि हर नंबर का मीनिंग देखते हैं शुरू शुरू में लेकिन बाद में वो क्रेज थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि हर चीज का शुरू शुरू में बहुत क्रेज होता है क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ नहीं रहे होते हैं और नंबर हमें लगातार दिख रहे होते हैं जस्ट बिकॉज हमारे ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो चुका है जो इन नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा है जो देख पा रहे हैं इन नंबर्स को तो इसीलिए हमें वो नंबर दिखते हैं और हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मोर देन लाइक like, इसको एक साइन की तरह देखने के बजाय आप ये समझिए कि मैं ये समझती हूँ कि कोई सुपर पावर मेरे साथ है मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि जितना मतलब ढूंढो ना उतना फिर आपके दिमाग में आइडियाज रहते हैं और ये सब रहता है मुझे बस जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे मेरे अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि मैं यूनिवर्सल uh, लव को देख सकती हूँ यूनिवर्सल लव को फील कर सकती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनमें से कोई भी एंजल नंबर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा और मैं कर पा रही हूँ दैट बींग सेड मैंने जितने भी एंजल नंबर्स के ऊपर रिसर्च करी मैं आपको लमसम में बताना चाहती हूँ इसका मतलब यह होता है या तो न्यू बिगनिंग हो रही है या कुछ ख़त्म होने वाला है या हमको स्पिरिचुअल लाइफ अपनी बैलेंस करनी है या एंजल्स हमारे साथ हैं तो मोस्टली इट्स अबाउट एंजल्स हमारे साथ हैं और हमको बैलेंस करना है जो भी नंबर्स uh, जो होते हैं ना उनका मीनिंग यही है तो ये वीडियो पूरा ही मैंने इसलिए यही बनाया कि मैं बताना चाह रही हूँ कि जब हम देखते हैं और हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है हम एंजल नंबर्स देखते रहते हैं और लाइफ में सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता एंड हाँ ट्रिपल सेवन होता है स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो ये सारे जो मीनिंग है इनका मतलब यही ना कि स्परिचुअल जर्नी पे हम आ गए हैं तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है भाई वो तो शुरू ही है ना नंबर तो शुरू में ही दिखने लग जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाएगी हमारी रोमांटिक लाइफ सही हो जाएगी हमारी हेल्थ सही हो जाएगी लेकिन फिर इवेंचुअली होता कुछ खास खास सही नहीं है और हमको लगता है कि कोई मतलब नहीं है एंजल नंबर्स का मतलब इतना हम थोड़े से डिटैच हो जाते हैं एंजल नंबर से एंड इवेंचुअली ऐसा पता चलता है कि स्पिरिचुअल जर्नी ही टोटली डिटैचमेंट को लेकर के ही है और उसमें आ, शायद सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसे हमने सोचा है किसी किसी लोग का हो भी सकता है लेकिन जो होता है वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है और फिर हमारा स्पिरिचुअलिटी से एंजल से हर किसी चीज़ से अपने तरीके का एक रिलेशनशिप हो, होता है हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट है हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो आपका जो रिलेशनशिप एंजल नंबर्स के साथ में होगा वो डिफरेंट होगा आपकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी आपको वो जो साइन दिखेगा जिस समय पे दिखेगा उसका मीनिंग आपके लिए डिफरेंट होगा तो हम एक पर्टिकुलर मीनिंग किसी के लिए नहीं बता सकते और जो मोस्टली थे वो मैंने बता दिए थे अब एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल मतलब सच की बात है मैं किसी का सेशन ले रही थी मेरे क्लाइंट का एंड वो काफ़ी बुरा टाइम से गुजर रही थी और उस टाइम पे उनको वन 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 दिखा और उसके बाद में बहुत सारे एंजल नंबर एक के बाद एक के बाद, एक बाद एक जाते हुए दिखे तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ निकली हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे बात करके और उनको उनका लव मिल जाएगा या ऐसा नहीं है वो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शुरू हुई थी और मुझसे जब उनकी बात हो रही थी तो स्पिरिचुअली वो एक्सपेंड हो रही थी मतलब मैं उनको डिटैचमेंट के बारे में बता रही थी अपनी स्टोरी के बारे में बता रही थी सो so, होता कुछ अलग है और उस उसको समझने में बेसिकली उसको समझने में हमें समय लग जाता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कभी भी नहीं होता है स्पिरिचुअल जर्नी में कभी भी नहीं यही तो स्पिरिचुअल जर्नी की खासियत है अगर थ्री लाइफ को तो हम हमेशा प्रडिक्ट कर सकते हैं कि थ्री डी लाइफ में तो ये होगा और हमको ऐसा एक्सपेक्ट करना है स्पिरिचुअल जर्नी में हम कुछ प्रडिक्ट नहीं कर सकते हम जो जो प्रडिक्ट करते हैं कुछ और ही निकल रहा होता है हमेशा बुरा हो ये जरूरी नहीं है हमेशा आपने जो सोचा हो वो जरूरी नहीं है लेकिन वो डिफरेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू मी एंजल नंबर भी जस्ट एग्जिस्ट करते हैं मुझे बहुत दिखते रहते हैं हर समय दिखते रहते हैं तो अब मैं ये नहीं सोचती कि मैं नए लेवल पे जा रही हूँ नए हो रहे हैं ठीक है मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ और मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं ना मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ ना मैं किसी का मीनिंग निकाल करके देखती हूँ क्योंकि आ, बस मैं थैंक यू बोलती हूँ जब जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को एक नया एक्सपीरियंस दिया है इन नंबर्स ने आ, एक तरीके से क्योंकि हम लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए इस अर्थ पर आए हैं और मुझे एक नए तरीके की आ, विजन मिली आ, मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो आई विल बी ऑलवेज़ थैंकफुल फॉर एंजल नंबर्स बट ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग कुछ रेवोल्यूशन हो जाता है एंजल नंबर को देख करके आई वॉन्ट से दैट ये सारी चीज़ें तो स्टेप बाय स्टेप वाली चीज़ें होती हैं और किसी भी चीज़ को अंधा पकड़ के तो चलना ही नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी का ये मतलब तो बिल्कुल है कि एक मीनिंग लेकर के उसको अपन को लेकर के बैठना ही नहीं है तो बेसिकली इट्स अबाउट बैलेंस इट्स इट्स अबाउट द सपोर्ट एंड जस्ट अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते रहना इसका यही मतलब है जैसे जैसे आप डीप मीनिंग समझते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिचुअल जर्नी का आपको एंजल नंबर से डिटैचमेंट होता जाएगा और एक्साइटमेंट uh, से पीस की स्टेज में आप आ जाएंगे तो आप बताइए आपको कैस कौन से कौन से एंजल नंबर्स पहले दिखते थे और अभी कितने दिखते हैं और uh, कहाँ हैं आप स्पिरिचुअली अपना ध्यान रखिए ओके बाय